प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल में 35,67,90,000 की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए उनवल नगर पंचायत के लोगों को 9 वर्ष का विकास की सौगात दी। शिलान्यास किए गए परियोजनाओं में नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के नगर पंचायत कार्यालय भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अंतर्गत विभिन्न सड़कों एवं गलियों की इंटरलॉकिंग, पथ प्रकाश व्यवस्था, अंतोष्ठि स्थल के निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1207 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र 69,000 शिक्षकों, 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगा। युवा अपनी तैयारी करें, पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। इसमें गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही उनवल को नगर पंचायत घोषित करते हुए यहां विकास कार्यों को तेजी कराने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिसके क्रम में आज विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों की मांग को देखते उनवल कस्बे में बाईपास बनाने के लिए आदेश दिया गया है, शीघ्र ही उस पर कार्य आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाईपास बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कस्बे के चौराहे का भी सौंदर्यीकरण कराने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जिन लाभार्थियों को आज प्रमाण पत्र वितरित किया गया है, उनके आवास बने, इसके लिए जिला प्रशासन और अन्य लोग मिलकर कार्य करें और आवास निर्माण में ही पैसे का प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों में 24 घंटे तथा तहसीलों में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही 3,05,000 राशन कार्ड का वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें कार्ड धारक को 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गोरखपुर में एम्स के निर्माण हो जाने से उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्टिलाइजर का निर्माण पूर्ण होने से यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही दुर्यापार में एथेनॉल प्लांट लगने से हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही पाइपलाइन से गैस सप्लाई भी किया जाएगा, जिससे लोगों को सस्ती रसोई गैस भी उपलब्ध होगी। विधायक शीतल पांडे ने सभी का स्वागत करते हुए उनवल को ब्लॉक एवं महाविद्यालय की मांग मुख्यमंत्री से की। इस अवसर पर विधायक विमलेश पासवान, संत प्रसाद, पूर्व विधायक जयप्रकाश निषाद, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य गणमान्य जन तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। चाहे महिलाएं जीवन के नवल वर्ष में नूतन निर्माण के लिए, महाजागरण के युग में जागृत जीवन के अभिमान के लिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हम सभी के संरक्षक, इस नवल वर्ष में दीन दुखियों के त्राण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, अभेदान के लिए और भूखे की रोटी के सामान के लिए, जीवन में नूतन क्रांति के लिए, जीवन में नवल वर्ष के नूतन निर्माण के लिए मंच पर विराजमान पूर्वांचल मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए गुरु गोरखनाथ की इस पावन पत्रिका के द्वारा सम्मिलित है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री संत प्रसाद जी विधायक, राजेंद्र सिंह अस्तो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यो मां मृतगमे। ओम भद्रं कर्णे सूर्या स्थिरैरङ्गैः सस्तनो गृभसे महि देव भद्रतुण्ड महाकाय कोट सूर्य जना बोलिए चंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर और यशस्वी मुख्यमंत्री एयरफोन है उत्तर प्रदेश हट जाती है पालन ध्यान रखिए, जो भी मांगे होंगी बड़ी तरक्की से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। आपको एम्स मिला, फर्टिलाइजर जो वर्षों से बंद था, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए,
इतने देर से बड़े धैर्य पूर्वक बैठे हैं, हमारे पूज्य योगी जी को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के संरक्षक, परम श्रद्धे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण होता हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे भारत, इसके बाद श्रीमती विमला मंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्रीमती कमला ये योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती कोयली यह गौरवशाली क्षण है, अभिभूत कर देने का क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती कोयली को उनकी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा देवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त करती हुई श्रीमती गंगोत्री, श्रीमती शीला देवी भक्टोलिया से, श्रीमती रुखसाना इधर 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 देखिए, श्रीमती बिंद्रावती देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 2,50,000 रुपए के अंतर्गत, श्रीमती सहीदुन्निशा, श्रीमती जैनुद, श्रीमती जैनुद, श्रीमती सहीदुन्निशा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि अपने मुखारविंद से हम सभी को इस नवल वर्ष में आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस नगर पंचायत उनवल यानी कस्बा संग्रामपुर के नगर पंचायत भवन के शिलान्यास, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने और अनेक विकास योजनाओं का शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर पंचायत उनवल के अध्यक्ष यहाँ के शिवमा शंकर निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, विधायक खजनी श्री संत प्रसाद जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, प्रदेश मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री रमेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक श्री राम जयन मौर्य जी, जिला महामंत्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य जी, डॉक्टर आर डी सिंह जी, अश्वनी त्रिपाठी जी, रामपाल सिंह जी, जनार्दन श्रीवास्तव जी, हरिशंकर सिंह जी, इंजीनियर पी के मल जी, बिफाड़ चंद कौशिक जी, महेश धर दुबे जी, शशिकांत दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिंदी वाहिनी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2017 में जब मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद की मैंने शपथ ली थी, तो उसके बाद की पहली कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने आपके इस उनवल कस्बे को कस्बा संग्रामपुर के नाम पर, जिसे हम जानते हैं, नगर पंचायत के रूप में इसे मान्यता दी और नगर पंचायत के रूप में मान्यता देने के बाद जब यहाँ चुनाव हुआ तो आपने यहाँ के पूर्व प्रधान श्री उमा शंकर निषाद जी को यहाँ का चेयरमैन बनाया
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, आप सब ने उन्हें चेयरमैन बनाया और उनके साथ पार्षदों को चुनाव जिता करके भेजा। इसके लिए आप सभी कस्बावासियों को, आसपास के सभी नागरिकों को मैं हृदय से धन्यवाद देने के लिए आज आपके पास आया हूं और इतनी विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के भी आज हम सब आपके बीच आए हैं। कस्बा संग्रामपुर हमारे लिए कोई नया कस्बा नहीं है। मुझे याद है जब 2009 में पहली बार यह कस्बा गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आया था तो सबसे अच्छा समर्थन देने वाले जो गांव रहे हैं ये बांस गांव विकास खंड के कस्बा संग्रामपुर से लेकर के और जितने भी गांव इस क्षेत्र के थे उन सब ने किसी भी बात से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मुझे भारी मतों से चुनाव जिता करके यहां से भेजा था। एक सांसद के पास सीमित साधन होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम उतना पैसा उस समय नहीं लगा पाए थे, लेकिन आज जब समय मिला तो हम लोगों ने आपके इस कस्बा संग्रामपुर और आसपास के गांवों को भरपूर धनराशि विकास के लिए उपलब्ध कराई है और आज इसीलिए इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए ही मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। क्या आपको नगर पंचायत मिला? लेकिन नगर पंचायत का अपना भव्य भवन नहीं था, उस भवन के लिए हम लोगों ने 2,12,39,000 रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, आज उसका शिलान्यास भी हो गया है, अब यहां पर एक भव्य भवन बनेगा। दूसरा, यहां पर मैं देखता था बहुत लोग गरीब हैं, जिनके पास झोपड़ी है, जिनके पास टूटा हुआ मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शर्त है कि अगर उसके पास अपनी जमीन है और उसकी आय 3 लाख रुपए से कम है सालाना तो हम उसे आच्छादित कर सकते हैं इस योजना में। और मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले आपके इस कस्बा संग्रामपुर में 1,207 लोगों को इसके लिए चयनित किया गया है, जिन्हें 2.5 लाख रुपए प्रत्येक को मकान के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से पहली किस्त 50,000 रुपए की उनके खाते में जा रही है। वे कार्य तत्काल प्रारंभ करें और जैसे कार्य उनका न्यू तक का कार्य उनका आगे बढ़ेगा तत्काल 1.5 लाख की दूसरी किस्त उनके खाते में चली आएगी। 1.5 लाख की इस किस्त के बाद फिर तीसरी किस्त 50,000 की उनको और मिलेगी, यानी 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें उपलब्ध कराने हैं, जिसमें उन्हें आवास के साथ साथ शौचालय भी इसके साथ बनाना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने 30,17,50,000 रुपए अकेले आपके कस्बा संग्रामपुर के लिए स्वीकृत किए हैं। तीसरा, पुराने मोहल्ले हैं, कस्बे में पुराने गली हैं, मोहल्ले हैं, उन सब में इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए भी 1,63,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर कार्य या तो चल रहा है या कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होगा। साथ ही साथ कस्बा हो गया है तो अच्छी लाइट भी जले, पथ प्रकाश के लिए भी 87,00,000 रुपए अतिरिक्त ही आपके इस नगर पंचायत को दिए गए हैं। और दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए भी हम लोगों ने 60,00,000 रुपए अतिरिक्त इस कस्बे को उपलब्ध कराए हैं। और साथ ही साथ अंत्येष्टि स्थल के लिए भी 28,00,000 रुपए यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यानी एक साथ जितनी राशि अब तक कभी भी इस गांव को नहीं मिली होगी, जब से गांव बना होगा जितना विकास इसके साथ नहीं जुड़ा होगा। यद्यपि यह ऐतिहासिक गांव है, उनवल अपने आप में एक स्टेट थी, बहुत बड़ी रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इन 70-71 वर्षों में जितना पैसा खर्च नहीं किया होगा उतना पैसा 35 करोड़ 67 लाख
और 90,000 रुपए हम एक साथ आज यहां पर इतनी विकास योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। और इसके लिए मैं यहां के चेयरमैन को, यहां के पार्षदों को, श्री हरिशंकर सिंह जी को, श्री अभिमन्यु त्रिवाड़ी जी को और इन सभी कार्यकर्ता, शिव कुमार शाह हैं, ये जितने पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगातार केवल और केवल विकास के लिए सम विषम परिस्थितियों में हम लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करते रहे और आज उन्होंने नगर पंचायत बनाने में भी सफलता प्राप्त की और इतनी विकास की ढेर सारी योजनाएं आपके इस कस्बे के लिए एक साथ यहां पर दी जा रही है। इसके लिए मैं आप सबको इस नए वर्ष की यह बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैंने बहुत दिनों से मैं इस बात को मान देखता था, जब मुझे कभी एक सांसद के रूप में आपके इस उनवल कस्बे में आना पड़ता था या मुझे यहां से अन्य गांवों में जाना पड़ता था, वास्तव में बहुत संकरा मार्ग था। यद्यपि जब मैं आता था लोग रास्ता खाली रखते थे लेकिन सामान्य दिनों में जाम लगता था। और मैंने इसीलिए यहां पर इस बारे में प्रशासन से भी कहा है कि आगे चौराहे पर जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है उसका भी सुंदरीकरण होना चाहिए, अंदर के सड़कों का निर्माण कार्य और जल निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आसपास के गांव के लोगों के लिए भी ये जाम में फंसने की नौबत ना नि पाए, इसके लिए कस्बा संग्रामपुर में एक बाईपास का निर्माण भी किया जाना चाहिए और इसके लिए भी हम आदेश कर चुके हैं कि इसका एस्टिमेट तत्काल बने और विकास के कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़े। आप सब ने विकास के कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सदैव मदद की और मैं फिर आपका आह्वान करूंगा, विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव में ही न केवल हमारा वर्तमान अपितु हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्ज्वलमय हो सकता है और एक सुदृढ़ विकास की नींव पर ही हम एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर सरकारें अनेक आई होंगी लेकिन अनेक आने वाली सरकारों ने कभी विकास पर ध्यान देने का कार्य नहीं किया। आजादी के बाद सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो आखिर विकास के मुद्दे पर किसने कभी कोई चर्चा की? न सड़कें बनती थी, न बिजली आती थी, न पानी की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था थी, न राशन कार्ड की व्यवस्था थी, कोई भी तो सुविधा किसी को नहीं मिल पा रही थी, न मोबाइल फोन की व्यवस्था थी। आज हम लोग बागा गाड़ा से लेकर के आपके इस उनवल कस्बे तक की सड़क को भी चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, यानी गोरखपुर आप यहां पर जब यहां पे आप गोरखपुर की यात्रा प्रारंभ करेंगे मुश्किल से आपको 10 मिनट और 12 मिनट के अंदर आप गोरखपुर नगर के अंदर होंगे। सड़क बनने के बाद इतनी चौड़ी सड़क हम आपको देने जा रहे हैं, बेटौली से लेकर के और खजनी तक के लोग इस मार्ग का उपयोग आसानी से कर पाएंगे और बड़ी संख्या में आसपास के लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे जब ये सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। और बागागाड़ा से लेकर के नौसड़ तक हम लोग 4 लेन का पैसा पहले ही दे चुके हैं, 4 लेन का पैसा ही नहीं दे, नौसड़ में तो हम एक बस स्टेशन भी बना रहे हैं और ये बस स्टेशन लखनऊ जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, कुशीनगर जाने के लिए जितनी भी बसें होंगी हम नौसड़ से चलाने का कार्य करेंगे जिससे आपको आसानी से सुविधा उपलब्ध हो सके। वहां पे बस स्टेशन का निर्माण कार्य हो रहा है, सड़क 4 लेन की बन रही है और फिर बागागाड़ा से वाराणसी तक भी 4 लेन की सड़क बन रही है। आज हम लोग हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं और यही कारण है कि आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि गरीब को ध्यान में रख करके,
विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, जाति के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि विकास का सुदृढ़ आधार गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं बनेंगी। हमने जो आवाज दिए हैं, हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र और किसी का भाषा नहीं देखी। गरीब गरीब है, और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं के लिए आपकी जाति नहीं देखी जा रही है, आपका मत और मजहब नहीं देखा जा रहा है, तो गरीबों का उत्थान करने वाली सरकार को सबका मदद मिलना चाहिए, सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलना चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आखिर ये आवास, ये 1207 आवास आजादी के बाद क्यों नहीं मिल पाए? प्रधानमंत्री या पहले इंदिरा आवास के नाम पर और अन्य आवास के नाम पर योजनाएं चलती थी, 25,000 रुपये 45,000 रुपया मिल जाता था, ना आवास ही बन पाता था और उल्टा उस व्यक्ति को कटघरे में भी खड़ा किया जाता था। आज तो हम शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये दे रहे हैं प्रत्येक लाभार्थी को, 2,50,000 रुपये, 1207 आवास अकेले आपके कस्बा संग्रामपुर में आज दिए जा रहे हैं, और इनकी पहली किस्त ₹50,000 की इनके खाते में सीधे आएगी। मैं चाहूंगा कि चेयरमैन, पार्षद, यहां के ईओ और जिलाधिकारी भी किसी एक नोडल अधिकारी को लगा करके ये 1207 आवास एक साथ बनना प्रारंभ भी हो, और इस पैसे का उपयोग आवास निर्माण के लिए ही खर्च हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करें, जिससे कोई गरीब इस भीषण शीत लहरी में या जेठ की दोपहरी में जब गर्मी प्रचंड होती है, वह खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर न पहो, उसको यह आवास की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से एक गिफ्ट के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि 1207 लोगों को एक साथ इस सुविधा दी जा रही है, और बाकी कोई भी पात्र व्यक्ति होगा आने वाले समय में उन्हें भी इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। यह आश्वासन देने के लिए एक बार पुनः मैं आपके पास आया हूं। आज हम प्रदेश के अंदर 19,00,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें 11,00,000 आवास ग्रामीण क्षेत्र में और 8,85,00,000 आवास हम शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये लगातार संख्या बढ़ रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर खुले में शौच के कारण जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी, इन बीमारियों से मुक्ति के लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर उस गरीब परिवार के पास, जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, उस हर गरीब परिवार के पास एक एक शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है, और उस क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया। तो शहरी क्षेत्र में 8,00,000 से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया। कितनी बड़ी संख्या में लोग बिजली का कनेक्शन लेने के लिए परेशान होते थे, हमारी सरकार आई, अब तक हम लोग 94,00,000 परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं, 1,20,000 मजरों तक विद्युतीकरण का लाभ दे चुके हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, पता ही नहीं लगता था, 5 जिलों में केवल बिजली मिलती थी। हम लोगों ने कहा नहीं, ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए, लोकतंत्र में भेदभाव ये मानवता का इससे बड़ा अपमान दूसरा नहीं हो सकता, और इसलिए हम लोगों ने प्रत्येक जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे की बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की बिजली देना प्रारंभ किया। आज हर गांव बिजली से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने आजादी के बाद कभी बिजली के दर्शन नहीं किए, उनके गांव में विद्युतीकरण का कार्य सरकारी युद्ध स्तर पर कर रही है, और उस कार्य उसी क्रम में 1,20,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य
और 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य हमारी सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर किया है। आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये विकास, अभी हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं, 3.5 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड देंगे। ये राशन कार्ड में अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं के साथ से मिलेगा और पात्र गृहस्थी परिवार में प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। यह अभी 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से हम देंगे। युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जा रहा है और हमने अधिकारियों से कहा है कि जहां पर मशीनें लग गई हैं, मशीनें अगर काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त करके हर गरीब को खाद्यान्न वितरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कहीं भी किसी गरीब के साथ कोई भेदभाव न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित किया ही जाए। साथ ही साथ यह भी किया जाए कि किसी गरीब के पास अगर उपचार की व्यवस्था का साधन नहीं, आयुष्मान भारत में प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम इस सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं। जो लोग बचेंगे उन्हें भी सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। हर वृद्धा को वृद्धा पेंशन मिले, हर विधवा को विधवा पेंशन मिले, हर दिव्यांग को दिव्यांग पेंशन मिले। कल हम लोग गोरखपुर में हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें पहली बार इस पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, दिव्यांगों को मोटराइज ट्राइसाइकिल हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये बड़ी संख्या में जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, सरकारें पहले भी होती थी, ठंड आती थी, लोग मरते थे, कोई पूछता नहीं था। आज हर विकास खंड स्तर पर, युद्ध स्तर पर गरीबों को कंबल वितरण का कार्य भी युद्ध स्तर पर करवाया गया, लगातार कराया जा रहा है। और यही नहीं, पिछली सरकारों ने लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करके योजनाओं में जिस प्रकार से डकैती डालने का कार्य किया था, उसको भी प्रभावी ढंग से रोकने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में जब गोरखपुर में एम्स का निर्माण होगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक अंतर्राष्ट्रीय मानक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाला आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में बन करके तैयार होगा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने उपचार के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गोरखपुर में बैठे बैठे उन्हें स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। नौजवानों के लिए नौकरी के लिए फर्टिलाइजर कारखाना जब प्रारंभ कराने जा रहे हैं, वहीं इसी जनवरी महीने में या फिर फरवरी महीने में धुलिया पार में 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा इथेनॉल प्लांट, बायोफ्यूल का प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, जहां पर हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और नौकरी मिलने के साथ ही वहां पर जितना भी आपके खेतों में पराली होती है, जिसको आप आग लगाते हैं, जिसके कारण आपके खेत की उर्वरता पर भी असर पड़ता है, इस पराली को विभाग खरीदेगा, इसका भी पैसा आपको देगा और इस पराली से हम ईंधन बनाएंगे, उस ईंधन से डीजल और पेट्रोल की बचत होगी, देश की मुद्रा का बचत होगा, भारत मजबूत होगा, पर्यावरण से भी, पर्यावरण की भी बचत होगी और यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी प्राप्त होगा। ढेर सारी विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। हम लोगों ने पूर्वांचल विकास एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आजमगढ़ को गोरखपुर के साथ जोड़ने के लिए हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, हम लोग बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी होते हुए इसको गोरखपुर तक जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनाएंगे, अनेक उद्योग लगेंगे। जब उद्योग लगेंगे, यही के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, यहां का नौजवान खुशहाल होगा, घर में बैठे बैठे उसे नौकरी और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके लिए नौजवानों को अपने आप को तैयार करना होगा। मैं चाहूंगा यहां का नौजवान तैयारी करे। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जो नौजवान पढ़ लिख जाता है
वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी के योग्य हैं, आज के दिन पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई किसी स्तर पर आपके साथ भेदभाव करेगा, भेदभाव करने वाली की जगह केवल जेल होगी, जेल, और हम उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। इसी महीने हम लोग 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल रहे हैं, तो साथ ही साथ इसी महीने 50,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैं नौजवानों से कहूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भी और बेसिक शिक्षा परिषद में भी, तमाम अन्य विभागों में होने आने वाली नौकरियां आपका स्वागत करने के लिए आपका आह्वान कर रही है। आप आइए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम है, इसके साथ जुड़े। ये जो उद्योग लग रहे हैं, आपको नौकरी इसके साथ आपको घर में बैठे बैठे मिलती हुई दिखाई देगी। ये विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ही गैस पाइपलाइन गोरखपुर तक बीत चुकी है। जैसे पाइप से पानी पहुंचाने का कार्य हो रहा है, हम लोग गोरखपुर नगर में ऐसे ही पानी गैस से, इस पाइप से हम गैस घर के घर घर रसोई रसोई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वह सस्ता भी पड़ेगा। और बहुत बार तो मैं देखता हूं, एक बार मैं जा रहा था रुस्तमपुर की तरफ से, तो शीतल बाबा अपने सिर में रसोई गैस का सिलेंडर लेके जा रहे थे, तो मुझे ताज्जुब हो रहा था। अरे मैंने कहा विधायक हैं, कहा क्या करें, सिलेंडर समाप्त हो गया। और जब रसोई गैस का एक कनेक्शन घर घर पहुंचेगा, आप याद रखना कि आपको इस सिलेंडर फिर किसी को अपने सिर में ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग गृहस्थी में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको सिलेंडर भी ढोना पड़ता है। और इस सिलेंडर की सुविधा से आपको मुक्ति दिलाने का एक बड़ा कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि शीतल बाबा किस व्यथा को और जवाहर कसोदन किस व्यथा को जब हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने कहा कि भैया आप तो कम से कम उम्र भी हो गई है, तो इस उम्र में अगर सिलेंडर लेके इनको जाना पड़े तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है। और उस दुर्दशा से बचाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि अब घर घर में पाइप से हम रसोई गैस पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोई चोरी नहीं हो सकता। जो कभी कभी आपको सुनने को मिलता होगा कि घटतोली हो गई, सिलेंडर से गैस चोरी कर दिया जाता है, जब पाइपलाइन से आएगा मीटर लगा होगा, जितना आप जलाएंगे उतना ही आपका बिल आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा समाप्त, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। और मुझे लगता है ये आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ गोरखपुर, आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, विकास की प्रक्रिया के साथ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए हम सबको जाति की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्षेत्र मत और मजहब की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। विकास और सुशासन का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। और विकास और सुशासन के इस मार्ग पर आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर इतनी सारी योजनाओं के साथ यहां पर आया हूं। मैं चाहूंगा जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम देखें। हमने पहले इस बारे में कहा, बनटांगिया गांव मुसर जाति के लोग, अन्य गरीब जितने भी परिवार हैं, राशन कार्ड उनको अनिवार्य रूप से मिले, आवास उन्हें अनिवार्य रूप से मिले, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, जिससे उसे कहीं भटकने की आवश्यकता ना महसूस हो। और नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के लिए भी नए नए कार्यक्रम बनाए जाए, रोजगार मेलों का आयोजन, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर इन नौजवानों को हम नौकरी के साथ रोजगार के साथ जोड़ सके। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए महिला स्वयं से भी समूह बना करके उन्हें किसी न किसी रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य अगर हम कर सकेंगे, बड़ा स्वावलंबन का कार्य इनके माध्यम से हो सकता है। और आज मैं एक बार पुनः हम लोगों का, जब 2009 में मैं पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था,
तो मैंने श्री रामपाल सिंह से कहा, मैंने कभी उनवल कस्बा में हम वैसे तो गए थे, क्योंकि जब हम लोग इधर आते थे तो यहाँ के कार्यकर्ता मिलते तो थे, लेकिन चुनाव की दिशा से पहली बार जाना था और मैं देख रहा था उस समय सभी कार्यकर्तागण, श्री उमर यहाँ पर, श्री हरिशंकर सिंह जी थे, श्री अभिमन्यु त्रिपाठी थे, श्री रामपाल सिंह के साथ में उस समय मैं देख रहा था, श्री उमा शंकर निषाद हम लोगों के साथ खुल करके सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। यहां पर महिलाओं को जागृत करने के लिए श्रीमती इंदुमती सिंह भी यहां पर लगातार विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी, और एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उस समय आगे बढ़ करके कार्य किया था। आज उसी का परिणाम है कि हम सब विकास की इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, पिछली बार मैंने यहां पे डोडोना में शक्ति सिंह होंगे यहां पर, उनके गांव के पास पुल दिया है, मुझे लगता है वो पुल बनकर के तैयार हो गया होगा, बहुत जल्दी उसको यातायात के लिए खुलना चाहिए, लोगों का आवागमन और सरल होना चाहिए, लोगों को योजनाओं का लाभ उतनी ही जल्दी मिलना भी चाहिए, अन्य जगहों पर भी विकास की जितनी भी योजनाएं होंगी एक एक करके सरकार उसको पूरा करेगी। विकास की योजनाओं से उत्तर प्रदेश का कोई जनपद, कोई क्षेत्र और कोई गांव और कोई कस्बा वंचित नहीं रहने पाएगा, इस विश्वास के साथ हम सब इस अभियान को लेकर के आज आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर इन 1207 परिवारों को, जिन्हें एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात आज यहां पर मिल रही है, इन सबको बधाई देता हूं। कस्बा संग्रामपुर और उसके आसपास के सभी गांव वासियों को जो इतनी योजनाएं मिल रही है, नगर पंचायत का भवन होगा तो यहां की तमाम समस्याओं का समाधान एक जगह बैठ करके चेयरमैन उनकी टीम कर पाएगी, अधिकारीगण कर पाएंगे, सुविधाओं का लाभ आराम से लोगों को प्राप्त होगा, और धीरे धीरे करके जब हम इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। इस व्यापक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल सरकार ने की है, इसमें आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर आपके बीच आया हूं। आप सबको इतनी ढेर सारी योजनाओं का लाभ जो आज यहां प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। ईस्वी सन 2019 इस नौ वर्ष की हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में वे खुशहाली लाएं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।